हम अक्सर स्टॉक मार्केट में ट्रेडिंग के बारे में सुनते हैं। कितने लोग ट्रेडिंग करके लाखों में प्रॉफिट्स कमा लेते हैं, वहीं कितनों को हजारों का लॉस भी होता है। तो आखिर ट्रेडिंग होता क्या है, ट्रेडिंग और इन्वेस्टमेंट में क्या फ़र्क है, ट्रेडिंग के कितने टाइप्स होते हैं और क्या ट्रेडिंग से रेगुलर इनकम कमाया जा सकता है। आज हम इस वीडियो में इन सारे सवालों के जवाब जानेंगे। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल ट्रू इन्वेस्टिंग पर। ट्रू इन्वेस्टिंग डॉट इन हमारा ब्लॉग है जो इन्वेस्टिंग पर बेस्ड है। अगर आप इन्वेस्टिंग में इंटरेस्टेड हैं, इन्वेस्टिंग सीखना चाहते हैं तो हमारा ब्लॉग जरूर विजिट करें। आइए चलते हैं पहले सवाल पर, ट्रेडिंग क्या होता है। दोस्तों, ट्रेडिंग को हिंदी में व्यापार बोलते हैं, जिसका मतलब होता है किसी चीज़ को खरीदना और फिर उसे बढ़े हुए दाम पर बेचना ताकि प्रॉफिट हो सके। ठीक इसी तरह स्टॉक मार्केट में शेयर्स को बाय करना और जैसे ही उस शेयर की प्राइस बढ़ जाए उसे बेचकर प्रॉफिट कमाने को ही हम स्टॉक मार्केट में ट्रेडिंग कहते हैं। अब आप सोच रहे होंगे कि इन्वेस्टमेंट में भी तो यही होता है, तो दोस्तों आप सही भी हैं और नहीं भी। आइए चलते हैं दूसरे सवाल पर, ट्रेडिंग और इन्वेस्टमेंट में क्या फ़र्क है। दोस्तों, इन्वेस्टमेंट में हम शेयर्स को लंबे समय तक होल्ड करते हैं, जैसे 1 साल, 5 साल या 10 साल। लेकिन ट्रेडिंग में हम शेयर्स को बहुत कम समय तक होल्ड करते हैं, जैसे 1 मिनट, 1 घंटा या कुछ महीने। इन्वेस्टमेंट में हम ध्यान से अच्छी कंपनियों के शेयर्स को बाय करते हैं, क्योंकि हम इन्वेस्टमेंट में कंपनियों के शेयर्स को लंबे समय तक होल्ड करते हैं। जबकि ट्रेडिंग में हम बिना कंपनी की डिटेल जाने बस प्राइस देखकर शेयर्स बाय करते हैं, क्योंकि ट्रेडिंग में हमें प्राइस के मूवमेंट से मतलब होता है और जैसे ही प्राइस बढ़ती है हम शेयर को बेचकर प्रॉफिट कमा लेते हैं। इन्वेस्टमेंट में पैसे लंबे समय में बनते हैं पर रिस्क कम होता है, क्योंकि हम अच्छी कंपनियों के शेयर्स को बाय करते हैं। वहीं ट्रेडिंग में पैसे बहुत जल्दी बन जाते हैं पर यहाँ रिस्क थोड़ा ज़्यादा होता है, क्योंकि प्राइस की मूवमेंट शॉर्ट टर्म में रैंडम होती है। दोस्तों, इन्वेस्टमेंट और ट्रेडिंग में सबसे बड़ा फ़र्क नज़रिए का होता है। अगर हमने किसी कंपनी को स्टडी करके उसके बिजनेस को समझकर और ये सोचकर सेल बाय किया है कि कंपनी लंबे समय में बहुत ग्रो करेगी तो हम इसे इन्वेस्टमेंट कहेंगे। और अगर हमने किसी कंपनी के शेयर्स बिना कंपनी को स्टडी किए बस प्राइस के पैटर्न्स को देखकर बाय किया है ताकि जैसे ही प्राइस बढ़े हम उसे बेचकर प्रॉफिट्स कमा लें, तो हम इसे ट्रेडिंग कहेंगे। दोस्तों, कंपनियों को ध्यान से स्टडी करना और उनके बिजनेस को समझने को हम फंडामेंटल एनालिसिस कहते हैं, और हमें इन्वेस्टमेंट करने से पहले कंपनी का फंडामेंटल एनालिसिस ज़रूर करना चाहिए। पर अगर हम बस कंपनियों के शेयर्स के प्राइस को स्टडी करते हैं और उसके पैटर्न को प्रेडिक्ट करने की कोशिश करते हैं तो हम इसे टेक्निकल एनालिसिस कहते हैं, और हमें ट्रेडिंग करने से पहले शेयर्स का टेक्निकल एनालिसिस ज़रूर करना चाहिए। अगर आपको फंडामेंटल और टेक्निकल एनालिसिस के बारे में पता नहीं है तो हमने इनके ऊपर एक वीडियो बनाया हुआ है, आप उस वीडियो को ज़रूर देखें। आइए अब चलते हैं तीसरे सवाल पर, ट्रेडिंग के कितने टाइप्स होते हैं। दोस्तों, ट्रेडिंग के बेसिकली 4 टाइप्स होते हैं। पहले टाइप की ट्रेडिंग को हम स्कैल्पिंग कहते हैं। इस तरह की ट्रेडिंग में हम शेयर्स को कुछ मिनट्स के लिए बाय करते हैं और जैसे ही प्राइस थोड़ी सी भी बढ़ती है हम उसे बेचकर प्रॉफिट्स कमा लेते हैं। एग्जांपल के लिए, अगर हम एक कंपनी के 10,000 शेयर्स 100 रुपये की प्राइस पर बाय करें और कुछ मिनट्स बाद जब शेयर्स की प्राइस 100 रुपये से बढ़कर 100 रुपये 50 पैसे हो जाए तो उसे बेचकर 5,000 रुपये का प्रॉफिट कमा लें, तो इसे हम स्कैल्पिंग कहेंगे। दूसरे टाइप की ट्रेडिंग को हम इंट्राडे ट्रेडिंग कहते हैं। इस तरह की ट्रेडिंग में हम शेयर्स को कुछ घंटों के लिए रखते हैं और सेम डे मार्केट क्लोज होने से पहले तक शेयर्स को सेल करके प्रॉफिट्स कमाते हैं। तीसरी टाइप की ट्रेडिंग को हम स्विंग ट्रेडिंग कहते हैं। इस तरह की ट्रेडिंग में हम शेयर्स को कुछ दिनों तक होल्ड करते हैं और 1 या 2 वीक्स के अंदर शेयर्स को सेल करके प्रॉफिट्स कमाते हैं। और चौथे टाइप की ट्रेडिंग को हम पोजीशन ट्रेडिंग कहते हैं। इस तरह की ट्रेडिंग में हम शेयर्स को कुछ वीक से लेकर कुछ मंथ तक होल्ड करते हैं और फिर उनको सेल करके प्रॉफिट कमाते हैं। दोस्तों, अब हम आ गए हैं अपने आखिरी सवाल पर, क्या ट्रेडिंग से रेगुलर इनकम कमाया जा सकता है। दोस्तों, ट्रेडिंग से रेगुलर इनकम कमाना बिल्कुल पॉसिबल है पर आसान नहीं। ट्रेडिंग से रेगुलर इनकम कमाने के लिए हमें सबसे पहले पैसों की ज़रूरत होगी, क्योंकि ट्रेडिंग में अगर हम प्राइस की छोटी मूवमेंट से अच्छा पैसा कमाना चाहते हैं तो हमें ज़्यादा शेयर्स लेने पड़ेंगे, जिसके लिए हमें ज़्यादा पैसों की ज़रूरत पड़ेगी। पैसों के साथ साथ हमें टेक्निकल एनालिसिस की अच्छी नॉलेज होनी चाहिए, तभी हम प्राइस के पैटर्न को समझ सकेंगे और सही टाइम पर शेयर्स को बाय या सेल कर पाएंगे। इसके साथ साथ हमें लॉस को कम से कम रखने के लिए स्टॉप लॉस के यूज को अच्छे से समझना होगा। स्टॉप लॉस के ऊपर हमने अलग से एक वीडियो बनाया हुआ है, आप उस वीडियो को ज़रूर देखें। और दोस्तों, ट्रेडिंग में सबसे इम्पॉर्टेंट है लगातार अपनी गलतियों से सीखना और हार ना मानना, क्योंकि हर सक्सेसफुल ट्रेडर सक्सेसफुल तभी होता है जब वो लगातार अपनी ट्रेडिंग को अच्छा करता जाता है।
तो अगर आप भी एक सफल ट्रेडर बनना चाहते हैं तो इन सारे पॉइंट्स को अच्छे से फॉलो करें। तो दोस्तों, ये था हमारा आज का वीडियो ट्रेडिंग के ऊपर। इसमें हमने जाना कि ट्रेडिंग क्या होता है, ट्रेडिंग और इन्वेस्टमेंट में क्या फ़र्क है, ट्रेडिंग के कितने टाइप्स होते हैं और क्या ट्रेडिंग करने से रेगुलर इनकम कमाया जा सकता है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ इस वीडियो को ज़रूर लाइक कीजिए, और अगर आपके मन में इस वीडियो से रिलेटेड कोई भी सवाल है तो इसे नीचे कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें। हम आपके सवालों के जवाब देंगे अपने Q&A वीडियो में। हमारे आगे आने वाले वीडियोस मिस ना हो, इसके लिए हमारे चैनल को अभी सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें। थैंक यू दोस्तों, मिलते हैं अब नेक्स्ट वीडियो में। टेक केयर।